नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube Tips 2.0 M में। दोस्तों आज हम बात करने वाले प्लेलिस्ट की। काफी सारे नए क्रिएटर के मन में आता है कि यार ये प्लेलिस्ट है क्या और प्लेलिस्ट हम कैसे यूज करें, प्लेलिस्ट का महत्व क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या फायदे है इसके। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको प्लेलिस्ट बनाने के बहुत ज्यादा फायदे भाई, बहुत ज्यादा। वीडियो पर एंटर बने रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि प्लेलिस्ट अगर आप बना लेते हो ना तो आपका चैनल बहुत जल्दी बूस्ट होने लगता है, बहुत जल्दी ग्रो होने लगता है और बहुत ज्यादा आपको व्यूज मिलने लगते हैं। अब ये कैसे मिलने लगते हैं ये सारा कुछ इस वीडियो बताऊंगा, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अभी तक क्या आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, चैनल पर नजर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। चलिए बात करते हैं हम प्लेलिस्ट की। दोस्तों प्लेलिस्ट सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेलिस्ट होता क्या है। दोस्तों प्लेलिस्ट का मतलब होता है लगातार क्रम में चलना, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये जो गिनती है लगातार क्रम में है। तो इसी प्रकार से प्लेलिस्ट हमें अपने YouTube वीडियो, अगर हमने YouTube पर एक चैनल बनाया है और उस पर लगातार हम वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और हमारी YouTube वीडियो पर जो है वो व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट बना लोगे ना दोस्तों तो 100% आपको बताता हूँ कि आपके व्यूज धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, 110% आपके व्यूज बढ़ने लगेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट का काम होता है प्ले करने का, यानी आपका कोई एक वीडियो देखता है तो जब वो वीडियो खत्म होगी ना, यानी कि जो वीडियो का एंडिंग हुआ, तब आपकी दूसरी वीडियोस वहां पर लग जाएगी, यानी कि नीचे में आ जाएगी, कि YouTube रिकमेंड करेगा कि आपने ये वीडियो देखा, यानी कि ऑडियंस के पास में वो रिकमेंड करेगा कि आपने ये वीडियो देखा, आप ये भी वीडियो देखो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप वीडियो अच्छा बना रहे हो तो ऑडियंस आपकी वो वीडियो तो देखेगी, साथ ही साथ आपकी दूसरी वीडियोज भी देखेगी। अब प्लेलिस्ट कैसे बनाया जाता है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जाके चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने बना रखा है कि प्लेलिस्ट कैसे बनाया जाता है। तो प्लेलिस्ट आप लोगों ने अभी तक के नहीं बनाया तो प्लेलिस्ट बना लीजिए, उससे आपके व्यूज इंक्रीज होते हैं, उससे आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं और साथ ही साथ आपके इम्प्रेशन यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास में भेजता है। अगर आपकी कोई एक वीडियो को ऑडियंस के पास जाती है और आपकी अगर एक वीडियो ऑडियंस फुल वॉच कर लेती है तो YouTube आपकी दूसरे वीडियोस को उठाकर उनके पास रख देता है कि भैया आपने ये देखा है, अब ये भी देखो। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने जेन्युइन कंटेंट बनाया है, आपने बहुत अच्छी वीडियोस बनाया है, तो ऑडियंस आपकी दूसरी वीडियोस भी देखेगी। चलिए ये बात तो हो गई देखने की। अगर आपका वीडियो कोई देखता है और साइड में रख देता है, देख के छोड़ देता है, तो आपका इसमें और ज्यादा बेनिफिट है, समझना इस बात को, आपका इसमें और ज्यादा बेनिफिट है। अगर आपकी कोई एक वीडियो देख के मोबाइल छोड़ देता है तो आपकी लगातार सारी वीडियो जो है वो एक के बाद चलती रहेंगी। उससे क्या होगा, उससे आपके व्यूज बढ़ते रहेंगे, ठीक है, उससे आपके व्यूज बढ़ते रहेंगे, YouTube को लगेगा कि इसके इंप्रेशंस हाई जा रहे हैं और लोगों के सामने आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा, ठीक है। और जैसे ही YouTube आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा, वहां से आपके व्यूज अच्छे खासे बढ़ेंगे और आपके वीडियो का इंप्रेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में जाएगा। तो यहाँ से आपके इंप्रेशन भी बढ़ेंगे, आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो यार प्लेलिस्ट बनाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसलिए अभी तक क्या आपने प्लेलिस्ट नहीं बनाया तो प्लेलिस्ट बना लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट हमारे चैनल के लिए, हमारे वीडियोस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और मैंने भी प्लेलिस्ट जब से बनाया तब से मेरे व्यूज इंक्रीज होने लगे, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी प्लेलिस्ट बना लीजिए। और कैसे बनाना है ये आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो चैनल पर जाके विजिट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको प्लेलिस्ट बनाना है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्लेलिस्ट बनाने का कितने ज्यादा बेनिफिट है। और दोस्तों आप लोगों ने क्या प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे किस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को बना के देना है मुझे ये भी कमेंट कर देना, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।